ये कहानी एक छोटे से भारतीय गांव की है जिसका नाम अमृतपुर था। ये गांव हरे भरे खेतों और शांतिपूर्ण वातावरण के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के लोग मुख्य रूप से खेती पर निर्भर थे और हर किसान अपने खेत को अपने परिवार का हिस्सा मानता था। गांव के किसान रमेश एक मेहनती व्यक्ति था। उसके पास एक छोटा सा खेत था जिसमें वह धान, गेहूं और सब्जियां उगाता था। रमेश को अपने काम से बेहद लगाव था और वह हर दिन सूरज उगने से पहले ही खेत में पहुंच जाता था। उसके साथ उसका बेटा मोहन भी खेती के काम में हाथ बटाता था। एक दिन गांव में एक सूखा पड़ा। महीनों तक बारिश नहीं हुई और गांव के तालाब और कुएं सूखने लगे। किसान परेशान हो गए क्योंकि फसलें सूखने लगीं और पानी की कमी के कारण उन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। रमेश भी बहुत चिंतित, लेकिन उसने हार नहीं मानी। रमेश ने अपने गांव के अन्य किसानों को इकट्ठा किया और उन्हें मिलकर एक नया तालाब खोदने का प्रस्ताव दिया। शुरुआत में कुछ लोग हिचकिचाए, लेकिन रमेश की दृढ़ता और उसकी दूरदर्शिता ने सबको प्रेरित किया। सभी किसानों ने मिलकर तालाब खोदने का काम शुरू किया। कड़ी मेहनत के बाद गांव के लोगों ने एक बड़ा तालाब खोद डाला। जब पहली बारिश हुई तो तालाब भर गया और किसानों को पानी की समस्या से राहत मिली।